हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले जिन भी स्टूडेंट ने इस साल 2023 में 12वीं पास करी है, उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, किन किन डॉक्यूमेंट को आपको बनवा लेना है, नहीं तो आप महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रह जाएंगे, और फॉर्म भरते समय आप किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करें एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएगा। देखो, बहुत सी यूनिवर्सिटियों से चालू हो गए और नई जून के प्रथम सप्ताह में अधिकतर यूनिवर्सिटी के आपके एडमिशन चालू हो जाएंगे। अनिवार्य दस्तावेजों की बात करें तो जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं मार्कशीट, स्कूल का TC व चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास और बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नहीं बने हैं तो अभी से जुट जाओ ताकि समय से जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास बन जाए। और यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप तुरंत बनवाना चालू कर दें, क्योंकि EWS में 1 महीना लग जाता है भाई जाति प्रमाण पत्र में। और इस चीज़ का विशेष जानकारी ध्यान रखनी है, जो जन आधार कार्ड से जुड़ी अपना जन आधार कार्ड चेक करवा लें, जो आपकी डिटेल हैं वो सही भरी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पिता का नाम, माता का नाम, बैंक पासबुक जैसी सारी डिटेलें अपडेट करवा लें, क्योंकि अपडेट होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल पर, किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन चालू हो गए हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।